सभी दर्शकों को अभिवादन और नमस्कार। श्रीकाल के लाइव शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना के खौफ से थोड़ी निजात पाकर आजकल हम कितने ही उत्सव मना रहे हैं। नवरात्रि, जिसके साथ गहन देवी साधना, गरबा और दुर्गा पूजा जैसी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। दशहरा, जो सीता की लंबी कैद से रिहाई और डॉक्टर अम्बेडकर के जरिए बौद्ध चेतना से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, ईद मिलाद और शारदीय रातों के जादू से जुड़ी हुई शरद पूर्णिमा का भी हमें इंतजार है। तो त्योहारों के इस मेले में आज हम कुछ ऐसे मासूमों को भी याद करने बैठे हैं जिनसे हमारा सभ्य समाज आंखें चुराता रहा है। अनव्याही माएं और उनके बच्चे जो उपस्थित तो हैं समाज के दोहरे मापदंडों के कारण, लेकिन अपनी भूलों को स्वीकार करना ही शायद सभ्यता की असल परीक्षा होती है और इस परीक्षा में हम अक्सर असफल होते हैं। देवी की तरह पूजी जाने वाली हमारी बेटियां, कन्याएं, चाहे प्रेम में धोखा दी गई हूं या अपने आसपास के जाने पहचाने लोगों की के यौन प्रताड़ना की शिकार हुई हूं, लेकिन एक बार जब इसका फल यदि उनके गर्भवती होने में सामने आ जाए तो फिर हम सब बगले झांकने लगते हैं। सूझ नहीं पड़ता कि यदि गर्भपात संभव नहीं है तो फिर इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। गर्भवती बेटी और हमारी नजर में पाप की फलश्रुति के रूप में जन्म लेने वाले बच्चे का आखिर क्या किया जाए। मैं समझती हूँ कि आज की हमारी मेहमान ने एक प्रसूति विशेषज्ञ होने के नाते ऐसे ही कुछ मामलों को देखा होगा और तभी एक ऐसे शिशु गृह का की कल्पना उनके मन में आई होगी जहाँ अनव्याही माएं अपने बच्चों को एक ठौर दे सके। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला छाबड़ा से हम मिलेंगे आज, जो वर्तमान में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाग्राम में प्रोफेसर इमेरिटस के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही मेलघाट के आदिवासी इलाके में हमारे हॉस्पिटल की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी है। उनका प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण नागपुर और फिर बाद में स्वीडन, इंग्लैंड और नेदरलैंड में हुआ है। हमारे संस्थान में वे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुकी हैं और डीन का पद भी संभाल चुकी हैं। उन्होंने देश विदेश में अपने शोधों से बहुत ख्याति पाई। 27 देशों में शोध भ्रमण वे कर चुकी हैं। स्त्री रोग विज्ञान में एक अथॉरिटी मानी जाती है। 600 से ज्यादा उनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। यौन स्वास्थ्य और स्त्रियों के यौन अधिकारों पर WHO की विशेषज्ञ के तौर पर एशिया के कई देशों में भी वे काम कर चुकी हैं। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए देश विदेश की कई संस्थाओं द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एक समर्पित चिकित्सक और शोधकर्ता के रूप में उन्होंने कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और देश की वो एक ख्यात स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ मानी जाती है। मैम, आपको स्त्री काल के मंच पर देखना आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन अपने करियर की इस सब चकाचौंध से दूर छाबड़ा मैम आज हमारे साथ आकांक्षा शिशु कल्याण केंद्र सेवाग्राम की CEO के तौर पर जुड़ रही हैं और आज हम उनसे उनके इसी अनोखे प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। तो मैम बताएं, ये सब शुरू कैसे हुआ? आकांक्षा शिशु कल्याण केंद्र का की कल्पना आपके मन में कैसे और कब आई? सबसे पहले तो मेरा भी सबको नमस्कार, जो भी स्त्री काल से जुड़े हुए हैं और इस आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे ये जो आकांक्षा है ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी कोई कहता है तो मेरे पास तो इतना कुछ है बोलने को, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या बताऊं। तो उसके लिए धन्यवाद। आकांक्षा की कल्पना मैंने नहीं की थी, ये सच्चाई है। आज से कुछ साल पहले, सच में तो 1988 में, दो काफी कुछ होता था। जैसे आपने बताया, स्त्री रोग विशेषज्ञ के नाते बच्चियां आती थी, मन में लगता था, लेकिन दो घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे थोड़ा झंझोड़ दिया था और उसके बाद एक के बाद एक कुछ होता रहा। एक दिन सुबह सुबह कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी की जो सेक्रेटरी थी उन्होंने मुझे 7 बजे फोन किया, डॉक्टर छाबड़ा तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक है? मैंने कहा सुबह 7 बजे, ये कैसा सवाल है? कहते हैं हमारे घर के पीछे एक बच्चे का सर पड़ा हुआ है। तो मेरी धड़कन रुक गई, मैंने मेरे डिपार्टमेंट में फोन किया, सब तरफ ठीक है, ऐसा कुछ होने की संभावना कल्पना भी नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने फोन किया। तो सारा दिन मैं बहुत कुंठित सी रही। उसके कुछ दिनों बाद हमारे ही अस्पताल के एक बहुत ही अच्छे
जो काम करने वाले व्यक्ति थे, ऑपरेशन थिएटर में काम करते थे, तो मेरा रोज़ वास्ता पड़ता था। वो मेरे पास आए, उनके कोई नज़दीकी थे किसी नज़दीक के शहर में, किसी गांव के अमीर व्यक्ति ज़मींदार होते हैं, उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, किसी से दोस्ती हो गई एंड वो गर्भवती थी, तो मेरे पास आए कि मैडम उसकी मदद कैसे कर सके, वो तो मार भी डालने पता नहीं। वो बच्ची को यहाँ लाया गया और वो उस समय सोनोग्राफी नहीं थी हमारे यहाँ रेगुलर इसमें, तो वो बॉर्डरलाइन थी, गर्भपात हो भी सकता था नहीं, हाथ लगा के इवन सोनोग्राफी में कहते हैं 2 हफ्ता इधर उधर होता है, वो ऐसी ही थी, 5 महीने, 4.5 महीने या 5 महीने। और मैं तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं थी, और उस समय जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो थोड़ा ये मामलों में रिजिड थे, तो अब मुझे मदद भी करनी थी और कायदे कानून से चलना था, पर मुझे पर्सनली लग रहा था कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो मैंने वो बच्ची को मेरी एक फ्रेंड के पास भेजा फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे है। उस बच्ची की सारी मदद हुई, उसका गर्भपात हो गया, वो नज़दीक किसी शहर में जहाँ रहती थी वापस चली गई। उसके 5-7 दिनों बाद मुझे वो व्यक्ति आके फिर मिलते हैं जो लेके आए थे, मैडम उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर वो एक और धक्का कि यदि मैंने उसको यहाँ रखा होता, अच्छे से काउंसिल किया होता, उसको समझाया होता कि जो हुआ सो हुआ ज़िंदगी में, ये 2 बातें थोड़ा झकझोर करती रही मुझे। उन्हीं दिनों हमारे एक स्टूडेंट की मदर, स्टूडेंट्स जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो उनके रोल मॉडल्स बन जाते हैं कोई कोई, और मेरे पास बहुत बार बहुत लोग आते थे, किसी के माता पिता मिलके या माता कि मैडम ये आपके बारे में बहुत बात करते हैं। तो ऐसी एक लेडी मेरे पास आई, महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट की थी, हम वो सोशल वर्क का काम करती थी किसी इंटरनेशनल एजेंसी के लिए। ऐसी बातें होती रही, तब अनमेड लड़कियों, वो सोशल वर्क करती थी तो बात निकल आई। मैंने कहा आती हैं लड़कियाँ, हम क्या करें, लेकिन हमको उनको समझा के भेज देना पड़ता है, भाई दिखाने आ जाइए, ये मत करिए, वो नहीं करिए, उनका क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम जो अनमेरिड लड़कियाँ आती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आप मदद करना चाहोगी, मैंने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा मैं फंड्स का पता करती हूँ, कुछ फंड्स मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो शायद अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 1988 की बात है, कुछ समय लग गया। वो जिनके साथ काम कर रही थी उसी समय मई में मैं 1979 में मैं यूके चली गई 2.5 महीने के लिए। तब एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था, सर्टिफिकेट कोर्स एडवांस मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए, तो वहाँ मेरा ब्रिटिश काउंसिल का सिलेक्शन हुआ, मैं वहाँ चली। लौटी तो मेरे टेबल पे एक एनवेलप पड़ा हुआ था, उसमें 5 लाख का चेक था, तो साथ में एक लेटर भी था, और वो किसी ने खोला नहीं था क्योंकि मेरा नाम से रजिस्टर्ड विथ एक्नॉलेजमेंट आया हुआ था। मैंने चेक कस्तूरबा सोसाइटी को भेजा और साथ में लेटर बना के भेजा, ये इस फंड के लिए, इस काम के लिए ये पैसा आया है। उसके बाद शायद मैं घर चली गई, 2.5-3 महीनों से घर नहीं गई थी। पीछे से मीटिंग हुई बड़ी कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी की, और उसे कहा कि ये सब काम हम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये संभव है ऐसा तो बोला ही होगा। बिल्कुल नहीं, नहीं करना है। तो मैं फिर सेक्रेटरी के ऑफिस में गई कि मैंने कहा मैम क्यों नहीं करना है, तो कहते हैं सब कहते हैं ऐसे सब कामों में हमें नहीं। मैंने कहा हम 2 जिंदगियां बचा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा हमारी डायरेक्टर साहब थी डॉक्टर सुशीला नायर, उनसे बात करो। और उनसे बात करने का मौका ऐसी जगह मिला मुझे, हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम था, हम सब चाय पी रहे थे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बाहर। तो मैंने कहा कि बहन जी ऐसा ऐसा, उन्हें हम बहन जी कहते थे, बड़ी बहन जी, तो कहती मैं तेरे साथ हूँ, दूसरों को समझा। सो यू नो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था। फिर मैं वापस गई सेक्रेटरी ऑफिस में, तो मैंने कहा प्रॉब्लम्स क्या हैं लीगल जो भी हैं, तो कहते हैं कि बच्चों को कौन देखेगा। तो अब नेचुरली सबके अपने अपने अप्रिहेंशंस होते हैं, तो मैंने कहा कि बच्चे को जो देखना है वो पीडियाट्रिशियंस को उतना ही देखना पड़ेगा जो नॉर्मल बच्चे को देखते हैं, जो लीगली बाकी के इश्यूज हैं वो मैं देखूंगी। अभी एक बार डिसीजन ले लिया, फिर लीगल इश्यूज तो फिर मैंने जिन्होंने हमें फंड्स दिए थे वहाँ की सोशल वर्कर आई, डेनमार्क से आया था वो, और उनका लॉयर भी आया, कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी के लॉयर भी आए, और जिन्हें एप्रिहेंशंस थे वो भी 1-2 लोग थे वहाँ। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि सारा कुछ मैं देखूंगी, बाकी किसी पे कोई जवाबदारी नहीं आएगी, और पैसा वो देंगे। और ये बहुत क्लियरली था कि वो कोई भी बच्चे जिसके लिए वो मदद करे वो विदेश नहीं जाएंगे, वो हिंदुस्तान के लोग ही उनको पाल सकेंगे। और हमारे पास तो रखने का लाइसेंस ही नहीं था, हम तो सिर्फ अविवाहित गर्भवती महिलाओं की मदद करना चाह रहे थे, मतलब वो भर्ती होंगी, हाँ वो भर्ती होंगी,
उनको अस्पताल में रखेंगे, उनकी दवाइयाँ, उनका बेड चार्ज, उनका डिलीवरी चार्ज, उनका खान पान सब उस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी पे कोई बर्डन फाइनेंशियल नहीं आएगा, किसी और पे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कायदे कानून से करना वो मैं देखूंगी, वो मुझे सौंपा गया क्योंकि मैं देखूंगा। और 79 से लेके 2001 तक करीब, अब मैं वो बताने लगूंगी ना तो एक दिन भी सारा नहीं होगा, तो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत सारे लेटर्स आते थे, एक हमारी प्रकाश नायर बहन जी थी, एक कभी कभी मैं उनसे बहुत क्लोज थी, मेरे से बहुत सीनियर थी, तो मुझे कहती हैं चिट्ठियों पे यू स्लीप ऑन द लेटर्स, यू लर्न दिस हैबिट। ड्रॉअर में तो मैंने राइट हैंड साइड में एक ड्रॉअर बना लिया था, उसमें डाल देती थी जिसका कोई जवाब देने का तुक नहीं होता था। प्रॉब्लम्स तो होते हैं जब ऐसे काम करें, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर करना। किस तरीके के लेटर्स आते थे? इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, शिकायत वाले लेटर्स, शिकायत वाले लेटर। और वो शिकायत वाले लेटर समाज के लोगों की तरफ से नहीं, अस्पताल के ही लोगों की तरफ से, क्योंकि सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होती थी। अब वो अविवाहित लड़की है, थोड़ा ख्याल रखना, बच्चे का भी खास ख्याल रखना। काफी समय तक अस्पताल में रहती होंगी, काफी समय रहती, क्योंकि वो घर में नहीं रह सकती। नहीं, 6 महीने से आई हुई, कई बार तो दो दो साथ था, 6-7 महीने भी रही है। यदि लीगल केस रहा होता था तो लीगली हमको पुलिस से क्लियरेंस लेके भी कर सकते थे, तो 6-7 महीने भी रहती थी। तो थोड़े कभी कुछ होता ही है, तो मैं उनको जब थोड़ा दुखी होकर बताती थी तो उन्होंने एक सेंटेंस वापरा था, लर्न टू स्लीप ओवर द लेटर्स, तो मैंने वो बहुत गांठ बांध ली ओवर द ईयर्स। तो मैं उन्हें भी वैसा कोई जवाब नहीं देती थी, कोई एमएस के थ्रू आते थे, कोई डीन के थ्रू, कोई सेक्रेटरी के थ्रू, और मैंने शांति रखना सीख लिया था। ये तब उस समय हम ना बच्चों को भेज दिया करते थे, माँ और बच्चे को, मैं शॉर्ट में बताती हूँ ये 2-3 लाइनों में, कि हम बच्चे और माँ को भेज देते थे। और जहाँ हम भेजते थे लेटर के साथ, मुझे पता चला वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो रास्ते में बच्चे को क्या कर दिया, तो फिर हमने सोशल वर्कर को भेजना शुरू किया। सोशल वर्कर साथ में जाके सरेंडर करके आती थी, तो उसके बाद मुझे पता चलता था। मैं हमारा एज फार एज लोग थे जिन्होंने फंडिंग की थी, ये काम खत्म हो जाता था कि हमने बच्चे को भेज दिया सुखरू, लेकिन मेरे मन में रहता था कि बच्चे का हुआ क्या। तो मैं पता करना, जब पता करने लगी तो ये बच्चा मर गया, इसका ऐसे हो गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैं एक बार खुद गई जिस संस्था में हम बच्चों को भेजते थे, तो वहाँ बहुत गंदगी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने कहा हम यहाँ नहीं भेजेंगे बच्चों को, इतने बच्चे कैसे मर जाते हैं। अब वो क्या होता था मुझे भी नहीं मालूम, बट बच्चे नहीं थे, तो मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगी, ऐसा डिसीजन लिया। तो फिर हमने कहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र के अच्छे जगह में भेजना शुरू किया, तो लीगल ऑब्जेक्शन आए कि आप इतनी दूर बच्चे को नहीं भेज सकती, नवजात शिशु है, नहीं भेज सकते, छुट्टी कर। वहाँ के लोग आके लेके जाते थे सोशल वर्कर, हम मदर एंड बेबी डिस्चार्ज कहते थे, और वो मदर से सरेंडर कराते थे। लीगल इश्यूज हम बीच में नहीं थे, बट हम हेल्प करते थे, लाइक वो कहते ना फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सरेंडर ऑफ द बेबी उनकी वर्कर्स को। तो इसके लिए ऑब्जेक्शन आया कि आपके यहाँ का बच्चा इतनी दूर के ऑर्फनेज में क्यों, मैं तो ऑर्फनेज वर्ड भी नहीं यूज करना चाहती कभी भी, तो वो कैसे जाता है। तो फिर बात ऐसी आई कि हमने ही यहाँ कुछ खोलना चाहिए। अब मैं इतनी बिजी थी डिपार्टमेंट में कि ये सब खोल के करना मेरे बस का नहीं था। नसीब से वर्धा की ही एक महिला थी जिन्होंने कहा कि हम ब्रांच खोलेंगे तो हम देख सकेंगे। तो एक मुंबई की का जो प्लेस था उसकी हमने ब्रांच खोली यहाँ, और काफ़ी महीनों तक वो अच्छे से चला। एक बच्चा दूर भी नहीं जाता था, उसकी ब्रांच थी, फिर वो लोग आपस में कर लेते थे। फिर एक बार वहाँ लॉयर पुलिस पहुंची किसी वजह से, तो वो लेडी कहती मुझे ये सब नहीं देखना है, ये सब उन्होंने भी हाथ खड़े, उन्होंने हाथ खड़े किए। ये 2001 दिसंबर की बात है, आप सोचिए 89 से इतने साल हम सब प्रॉब्लम्स के। तब ऐसा हुआ कि या तो हम खुद करें या बंद करें। जो फंडिंग दे रहे थे वो तब भी तैयार थे, तो कहते यू डू इट योरसेल्फ, एंड आई वाज लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, क्योंकि बच्चों को देखना, वो अनमरी लड़कियों को डिलीवर करवाते तक देखना और बच्चों को देखना दो अलग अलग चीजें। मैंने 4 दिन ठीक से सोई नहीं, पर मैंने मन में सोचा जिंदगी में पीछे जाना तो नहीं होता। वो कहते हैं ना स्टीम के साथ कचरा बह जाता है, स्टीम के अगेंस्ट तो तैर के दिखाओ जरा। तो जब 4 दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया नहीं पीछे नहीं जाऊंगी, तो तब तक डॉक्टर सुशीला नायर इस दुनिया में नहीं थी जब मैं उनके पास गई। अभी के प्रेसिडेंट से आपके घर गई मैं, क्योंकि अगेन ये ऐसा इशू था कि सब लोग बीच में पड़ जाते तो पता नहीं क्या होता। तो आई वांटेड कि 1-to-1 टॉक हो, तो मैंने उनको जाके सारी बात बताई। उनको सब बातें नहीं पता थी शुरू की, तो मैंने उनको बताया कि कैसे जब शुरू किया था तब भी ये प्रॉब्लम्स हुए थे, तो आप क्या चाहती हैं। उनका एक ही सेंटेंस था, मैंने कहा मैं बंद नहीं करना चाहती, तो एक काम करिए सुबह एक
आधे पेज का पेपर लेके आ जाइए। सुबह मैं उनके ऑफिस में गई तो नेचुरली फिर संस्था के बाकी लोग भी थे, सब मेरे जुनाइन वेल विशर करके कि क्या करना चाह रही है जी, तेरा डिपार्टमेंट देख जिंदा रहना चाहती है। एक्चुअली किसी वेल विशर ने तो ये सेंटेंस वापरा, जो चिकित्सीय आपका जो क्षेत्र है उससे आप एक अलग दिशा में जा रही थी, बहुत बिजी था और दिशा अलग थी, एक इशू था कि बहुत ही बिजी चल रहा था, प्रोजेक्ट चल रहे थे मेरे पास, काम चल, काम देश विदेश में काम चल रहा, काम मेरा उस समय विदेश का भी तब तक मैं शुरू कर चुकी थी, WHO कंसल्टेंट रह चुकी थी, लाइक 89 ऑनवर्ड्स वो शुरू हो गया था मेरा बाकी काम भी, पर उसके अलावा डिपार्टमेंट बहुत बिजी था और मेरे पास उतनी बड़ी टीम जब 89 में थी तब तो बिल्कुल ही नहीं थी, पहले से बेटर थी लेकिन इतने लोग नहीं थे, तो सबको मेरी दया सी आई कि क्या करने जा रही हो। मेरे ही बहुत ही जुनाइन वेलविशर ने कहा था ओखली में सर डाल रही हो, मैंने कहा अब डाल दिया है, फूटा तो फूटा। ये उस दिन की बात है जिस दिन मीटिंग हुई, फिर एक व्हाइट पेपर बना, उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे ट्रस्टी थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनकी भी सिग्नेचर है उस डॉक्यूमेंट पे, आज भी हमारे पास है। सारे ट्रस्टीज ने साइन किया कि कस्तूरबा एंड सोसाइटी जैसे MGMS चलाती है, विद्या मंदिर चलाती है, उसी तरह ये भी चलाएगी, शिशु कल्याण तब आकांक्षा वगैरह नाम की तब एक होम बनाएगी जिसपे बच्चों को रखा है। ये डिसीजन हो गया 2001 के। फिर मैंने नाम लिख के भेजा धीरूभाई जी को, तो देवदीप एक नाम था मेरे मन में और एक आकांक्षा, तो उनसे मैंने पूछा कि दोनों में से कौन सा नाम रखें, तो उन्होंने कहा आकांक्षा अच्छा है, तो इस तरह इसका मैंने दो नाम लिख के भेजे थे और ये नाम रखा गया। और अब उसके बाद अभी हमें डिसीजन तो हो गया लेकिन बच्चे रखने की परमिशन मिलती, और मुझे हर किसी ने कहा 1000 बार पुनः बम्बई जाना पड़ेगा महाराष्ट्र का, विश्वास करिए मैं एक बार भी नहीं, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मैं जब से वर्धा आई हूँ 75 में ज्वाइन की, 76 में यहाँ के जो कलेक्टर साहब थे उनकी वाइफ का सीजर यहाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था तब, मैं नई नई लेक्चरर थी, प्रकाश बहन जी ने किया, लेकिन वो कलेक्टर साहब हर कुछ मुझे ही कहते थे, तो तब से लेके आज तक वर्धा का एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे हमेशा बहुत कोऑपरेशन मिला है, तो मुझे कहाँ प्रॉब्लम होता तो मैं इन्हें कहती थी, ये पुणे मुंबई फोन करते थे, और 2000 कलेक्टर ऑफिस सीधे आपके कांटेक्ट में, कांटेक्ट में मैं रहती थी, और पुणे यहाँ की जो ट्रांसफर होके जाते हैं वो भी कहीं पुणे मुंबई ही जाते हैं इधर उधर, तो मेरे कांटेक्ट बने रहे, और आज तक कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं किसी को फोन करती हूँ, अब चाहे वो डिविजनल कमिश्नर है या मेन कोई कमिश्नर भी बन चुके हैं, मैं हिम्मत है अभी भी उनसे, उन्होंने इतना हक दिया हुआ है कह सकती हूँ कि आप कभी भी लगा तो आप हमें फोन कर सकती हो, ऐसे इतना हक उन्होंने दे डाला है ऐसा कह सकती हूँ। तो 2002 में फिर हमें 16 बच्चे हमें परमिशन मिल गई थी, हमें ये डिसीजन हो गया था लेकिन हमारे पास कायदा नहीं था, तो एक बार 16 बच्चों को हमें पुनः भेजना पड़ता, एक साथ 16 बच्चे गए थे, मुझे कभी नहीं भूलेगा। फिर 2002 में हमारा लाइसेंस आ गया, तो 2002 से फिर हमारा बच्चों को ट्रांसफर करना बंद हो गया। ये शुरुआत हुई आकांक्षा की, आकांक्षा में बच्चे रखने की, फिर 2 साल लगे बच्चों को अडॉप्ट करवाने की, रख तो लिए लेकिन अडॉप्ट नहीं करवा पा रहे थे, तो 2000 फिर मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, समय जरूर लगा है, मदद जरूर मांगी है, पर मुझे खुद कहीं नहीं जाना पड़ा, और कस्तूरबा सोसाइटी जिन उसूलों पे चलती है गांधी, किसी को एक नया पैसा नहीं दिया है हमने किसी भी काम के लिए, और फिर हमें नेशनल अडॉप्शन का लाइसेंस 2004 में मिल गया। और इसी के साथ बता देती हूँ कि हम अपना काम करते रहे, 2015 में जब ये कायदा आया कि जो इतने सालों से नेशनल अडॉप्शन कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल अडॉप्शन के लिए फिट हैं, मैं उस मीटिंग में गई थी 2015 फेब में, मिनिस्टर भी आई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, जहां मैंने मेरे डाउट भी उनसे उस दिन पूछ लिए थे, तो 2015 में ये हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस आ गया, तो 88 से शुरू किया और 1900 भारत के बाहर भी जा रहे हैं, बाहर के बाहर भी जा रहे हैं 2015 से डायरेक्टली, पहले भी गए हैं लेकिन हमारे थ्रू नहीं गए, लाइक हमारे पास से जहाँ गए हैं जैसे पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, नागपुर जाते थे, वहां से गए हैं, हमारे पास से नहीं ऐसे, हमारे पास से 2015 से डायरेक्ट इंटरनेशनल अडॉप्शन हो रहा है, और अभी अमेरिका, कैनेडा, इटली, स्पेन, दुबई, इतनी जगह तो जा चुके हैं बच्चे यहाँ से। तो ये कह सकती हूँ मैं कि बहुत शॉर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए 88 और 2004 के बीच में, 2004 आपने कैसे जुटाए इस
रिसोर्सेज ईश्वर की दया से मुझे कभी कभी कमी नहीं पड़ी है, क्योंकि पहले पैसा आ गया था तब पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके बाद पता नहीं, मैं शुरू से बहुत रिसोर्स सेविंग करके काम करती हूँ, रिसाइकल करने की मेरी बहुत आदत है, कोई भी चीज़ फेंक नहीं देती। आज भी मेरे पास मेरे MBBS कोर्स के समय की हिमाटोक्सिलिन पेंसिल है, वो इतनी सी है, मेरे पास मेरा 68 का मग्गा है अभी मेरे पास, मैं सेकेंड MBBS हूँ। तो मैं बहुत संभाल के पैसा खर्च करती थी, और वो लोग उनको जिन्होंने पहले फंड्स दिए थे, मेरे पे इतना ज़्यादा विश्वास हुआ कि उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट लिख दिया था स्टैंप लगा कि इस साल के कैरी ऑन का फंड्स आप मदर एंड चाइल्ड एक्टिविटीज़ के लिए कैसे भी यूज़ कर सकती हो। तो मुझे हर साल बजट मिलता था और सेविंग्स होती थी, तो जिस साल जितना मिलता था उसकी सेविंग्स हो जाती थी। तो एक स्टेज आ गई जब मेरे पास जमा था, तो एक बार मुझे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मजाक में, मैंने कहा मैं हिसाब तो नहीं रखती क्योंकि मेरा पैसे पर ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं नहीं भी रहूँ तो 5-10 साल किसी को पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, पैसे की फिक्र नहीं करेगी, पर वो कहते हैं दिल दिमाग लगा के करना पड़ेगा, बस उतना ही चाहिए। बहुत रिसोर्सेज मुझे नहीं है, सेंसिटिव काम है। एग्जैक्टली हर चीज का, एक बार एक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, हमारे यहाँ का बच्चे की डेथ हो गई, उसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर था, निक्कू में गया था बच्चे के ICU में गया था, लेकिन उन्होंने कहा बहुत क्लियर कट है, तो पोस्टमार्टम हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक तो नहीं किया गया, तो मुझे 3 बार मेरी सोशल वर्कर को मुंबई ह्यूमन राइट्स के सामने भेजना पड़ा, 3री बार मैंने SP साहिबा थी उनसे मेरी बहुत अच्छी, उनको आकांक्षा बहुत अच्छा लगता था, वो कभी भी इधर आती थी तो मिलने आती थी, तो उनको कहा कि प्लीज़ आप अपने बंदे को उनके साथ भेजिए, मेरी सोशल वर्कर के साथ, ये 3री बार जा रही है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्यों नहीं किया, मेरे पास डिस्चार्ज पेपर है, बच्चे को क्या था वो सब है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, ये हमारा डोमेन नहीं है, तो आप भेज दीजिए, तो एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। बस एक ही बार हुआ वो, जब मुझे ह्यूमन राइट्स के समय सामने ही मेरी सोशल वर्कर को भेजना पड़ा, 2 बार, दूसरी बारी भेज दिया था, पहली बार नहीं, दूसरी बारी भेज दिया था मैंने, दैट्स ऑल। अदरवाइज हमारी कोशिश रहती है कि जो कायदे कानून से जो करना चाहिए उसके एक कदम आगे रहें, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट हो, वट एवर, बच्चों की सेफ्टी के लिए जो चाहिए, जरा सा फीवर भी होता है तो मैं जरा रिस्क नहीं लेती हूँ घर में, डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं उनसे एज अ मदर, आप हाँ मदरली उनको छुट्टी पे भी जाती हूँ तो बोल के जाती हूँ कि कायदे से पेपर पे मैं लिख के जा रही हूँ, चार्ज इज बीइंग गिवन टू सो एंड सो फॉर द बेबीज एंड सो एंड सो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बट प्लीज कीप मी इन टच, कुछ लगा तो मुझे बता देना। सेवाग्राम में हम सब लोग यही कहते हैं कि छाबड़ा मैडम इन सब बच्चों की माँ है, तो बिल्कुल माँ ही की तरह वो इन बच्चों का देखभाल करती है। तो मैम इस समय कितने बच्चे हैं यहाँ? आज की डेट में 11 बच्चे हैं जी, और सभी अनवेड मदर्स आज की डेट में, तो यस आज की डेट के तो सभी अनवेड। और भी किसी तरह से बच्चे हमारे पास आते हैं यानी कुछ समय पहले एक बच्ची थी, उसकी विडो थी, वो विडो की भी आते रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले तो एक मदर थी जिन्होंने, ये कुछ हफ्तों की पहले की बात है, कि उन्होंने पूछा, उनकी 3 लड़कियां ऑलरेडी है, 4थी लड़की की परवरिश कर ही नहीं पाएंगी, तो हमने कहा कायदे कानून से सरेंडर करना चाहो तो हम करवा देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बच्चा प्रीटम हुआ एंड प्रोबेबली दैट बेबी डाइड, सो फिर वो नहीं आई। हाँ। पर ऐसा हुआ है, पहले भी एक बार हुआ था, उनकी 4 लड़कियां थी तो दिया था। विडो की तो काफी बार हुआ है कि विडो है, या फिर शादी होने वाली अनमैरिड लड़की है, उसी से शादी होने वाली है, लेकिन घर के लोग कह रहे हैं कि शादी कर लियो लेकिन ये बच्चा मत रखो, ऐसे भी हुआ है, और कहीं सड़क पे मिला है, क्योंकि पुलिस केसेस भी रखने से हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, तो अब सड़क पे मिला है, किसने छोड़ा हमें नहीं मालूम, खेत में किसने छोड़ा हमें नहीं मालूम। एक बार एक बच्चे को कोई रेलवे के डब्बे में छोड़ गए थे, उस बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप था, अब वो बच्चा किसी शादी मतलब का, ये जो लिप होता है ये वो बीच में से कटा हुआ था, दोनों चीजें नहीं थी, वो बच्ची इतनी प्यारी थी, इतनी शार्प थी कि सुरभि नाम था उस बच्ची का, वो कनाडा चली गई है, वो मैं उसको एक दिन ना देखूं, और उसे भी तकलीफ होती थी और मुझे भी होती थी, तो मैं जब 2-3 दिन कहीं जाती तो लौटती तो ऐसे मिलती थी वो मुझे, उसकी हमने यहाँ सर्जरी कराई, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन आते थे, उसका लिप भी ठीक हो गया, फ्लैट पैलेट भी ठीक हुआ, और ऐसे हड्डी छोटी सी इतनी सी बच्ची हो और इतनी प्यारी, मुझे अभी फोटो आया कनाडा से, इतनी प्यारी लग रही है, मैंने कहा देखो जिसने छोड़ा होगा इस बच्ची को, अब पता नहीं किसने छोड़ा था, पर हमें जो जब लाके दिया गया पुलिस के साथ, तो ये रेलवे कंपार्टमेंट में मिली है, तो बच्चे जहाँ से भी आए, पुलिस केसेस की भी हमारी लाइक वी आर रिमाइंडेड कि हमको एक्सेप्ट करना है बच्चा, 6 साल तक का कोई भी बच्चा
एक बार किसी बच्ची के पेरेंट्स नहीं थे, वो मामा मामी के पास रहती, तो उन्होंने छोड़ दिया कहीं सड़क पे, फिर हमारे पास लाए, फिर हमें ही कहा गया पता करवा के दो, फिर हमने न्यूज़पेपर में दिया तो पता चला वो वेस्टर्न महाराष्ट्र की कहीं की बच्ची थी, तो फिर हमारी सोशल वर्कर गई छोड़ा। एक बार वो तो बहुत ट्रेजिक कहानी है, एक प्रेग्नेंट लेडी को बस स्टॉप से कोई लोग ले आए थे, तो पुलिस को इन्फॉर्म करके हमने उसको डिलीवर किया, तो शी वॉज मेंटली डिरेंज्ड, वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। हमारे साइकेट्रिस्ट देश में नहीं थे, बट हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी कि मेल से वो अपने पीजीज के थ्रू हमारी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट करवा के दिया, वो डिलीवर हुई, उसको समझ में आया वो कहाँ की है, फिर उसने बताया, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के नाम नहीं बताऊंगी, वेस्टर्न बिल्कुल मुंबई के आसपास की कहीं की थी, उसका घर ढूंढा हमने, उसके घर के लोग आए, बच्ची को भी वो दिन मुझे रियली बहुत खुशी हुई थी, और मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट कलीग को भी बहुत थैंक्स बोले कि आपने मदद की, तो मैं इस बच्ची को यहाँ, इतनी प्यारी वो लड़की और उतनी ही प्यारी उसकी बच्ची, बच्ची तो फिर सरेंडर हो गई, पर वो माँ प्रॉबेबली उसको जिसने भी एक्सप्लॉइट किया था उसको मेंटली डिरेंज भी कर दिया था, पर उसको छोड़ा गया जाके, मतलब उसने कितनी प्रताड़ना सही हो गई, वो भूल गई थी अपने आप को, वो अपने आप को, तो उसको ट्रीट किया, फिर वो थी ऐसे, पता नहीं कितने कहानी किस्से, और वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी कुछ महीने पहले एक बच्ची आई थी 16 साल की, इतनी सहमी हुई, मैंने मेरे रेसिडेंट को भी बाहर भेजा, उससे बात की, मैंने कहा बेटा बताएगी तो मदद करेंगे, तो उसके फादर ही किसी और को एक्सप्लॉइट करने दे रहे थे उसे, आप कल्पना करिए कि अपना फादर अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट करने दे रहा है, अब कुछ महीने पहले की बात है, ये बहुत पुरानी नहीं है, तो दुनिया में बहुत कुछ नहीं बदला है ऐसा जरूर कहूँगी, बट हमारी कोशिश भी जारी है बच्ची की मदद की, जो था पुलिस केस तो बनना ही था 16 केस, 18 साल के नीचे की बच्ची का कोई चाहे ना चाहे, माँ चाहे ना चाहे, माता, यदि उसका बॉयफ्रेंड भी फादर है तो भी हमारी ड्यूटी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के लायर से पूछा हुआ है, तो हम इन्फॉर्म करते ही हैं, तो हमने कायदे से इन्फॉर्म किया। बहुत सारी बातें हैं, इतने सारे लोग, इतनी बार तो लोग बच्ची को पढ़ा के भेजते हैं ऐसे बोलना जाके, तो ये सब हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों के साथ अधिकतर उनके आसपास के लोग ही होते हैं, अक्सर फैमिली के, उनके पड़ोसी, जानने पहचानने वाले, उनके फ्रेंड्स में से ही कोई होता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि बच्ची जानबूझ नोइंगली तो नहीं, उसको सीक्वली नहीं पता होती, पर वो कहती है हमारी दोस्ती थी, इतनी छोटी होते हैं वो, उम्र समझ में नहीं आता है उनको, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। 13 साल की बच्ची आई है 2-3 महीने पहले नॉर्दर्न पार्ट से, हमारी किसी स्टूडेंट ने भेज दी थी, 13 साल की बच्ची, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं दोनों, लड़का भी उसी की उम्र का था जब हमने पूछा, तो वो क्या कर रहे हैं दोनों, उनको शायद उनको नहीं पता था, वही नॉर्दर्न पार्ट से यहाँ हमारी किसी स्टूडेंट ने भेज दिया था उसे, उस बच्चा, वो बच्चा विकृत था, किसी ने सोनोग्राफी भी घर के लोगों ने डर के मारे नहीं कराई थी, नहीं तो यहाँ लाते ही नहीं, विकृत बच्चा था जो जी ही नहीं सकता था अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ, तो फिर मदद की मैंने, उस स्टूडेंट को फोन किया कि सोनोग्राफी करवा लेती, तो कहती मैडम उसके घर के लोग मार डालते थे, तो इसलिए मैंने भेज दिया था। मैंने कहा अच्छा किया, एटलीस्ट बच्ची की जिंदगी तो बची, इस तरह ये शुरू हुआ है। और एज फार एज लड़कियों की जो बातें हैं, वो 600-650 लड़कियों को मदद किया है, जाते हैं आप सुने अगर कई बार, तो क्या हो रहा है, जब वो बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने ही उसको आने दिया, ये कहा फादर वो कल्पना के बाहर है कि किस किस तरीके से उनको शोषित किया जा रहा है, लड़कियों को और छोटी लड़कियों को, और उनकी जिंदगी बाद में, मतलब ये इस तरह, इस घटना दुर्घटना जो भी है उससे तो आप निकाल लें उनको, एक बार ये जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद भी उनकी जिंदगी में वो मेंटल ट्रॉमा तो हमेशा रहेगा, उनकी जिंदगी भर उनको वो मेंटल ट्रॉमा रहेगा, और उसके बाद भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के लिए। तो ऐसा कुछ कोई योजना है उन ऐसी लड़कियों के लिए, आपकी कोई योजना होती है? मैंने योजना बनाई, और कहते हैं ना कभी सक्सीड होते हो कभी फेल होते हैं, हमने 3-4 तरह की चीजें शुरू की। एक नर्स असिस्टेंट का कोर्स शुरू किया था मैंने मैटर्न से बात करके, हर घर में बुजुर्ग होते हैं या क्रॉनिकली हार्ट डिजीज पैरालिसिस के लोग, बड़े जिनके घरों में सेवा करने को थोड़ा सा समझे कि ड्रेसिंग करनी है, छोटा कैथेटर ऐसा, तो 6 महीने का एक बना लिया था कि हम एक नर्स असिस्टेंट का सर्टिफिकेट दे देंगे। 3 लड़कियों ने सीखा, फिर नहीं सीखना चाहती, मतलब वो ट्रेन आप उनको करेंगे और फिर वो घर पर जाते हैं बुजुर्गों की सेवा करेंगे, ऐसा जहां भी उनको जॉब मिल जाए, एटलीस्ट रोजी के लिए कुछ तो मिल जाए खुद के लिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल चीजों के लिए कोई उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। एक वो कोशिश की, एक स्वेटर बनाने का शुरू किया,
स्टिचिंग का शुरू किया था कि न यहाँ आके सिखा जाएंगे आपको, हमने टेलर टीचर भी ढूंढ लिया था कि वो आके सिखा के जाएंगे आकांक्षा में, मशीनें खरीद ली थी, उसमें भी दो या तीन लड़कियों ने लिखा। एक्चुअली होता क्या है कि वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, वहाँ डिलीवर ये प्रॉब्लम है। तो हमने दो तीन तरह की चीज़ें शुरू की, नहीं हुआ। और कुछ लड़कियाँ अपने ही कुछ स्टूडेंट्स के नर्सिंग होम में, जैसे सेवाग्राम में पढ़े हुए जो गायनी डिपार्टमेंट की लड़कियाँ थी, तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मेरे पास जॉब है, यदि कोई आना चाहे। अब मेरे लिए लीगल इशूज़ थे, इतनी दूर भेजूँ, अब किसी देश के दूसरे प्रांत में है। तो जो 18 साल से ऊपर हैं उनके पेरेंट्स से पूछ के, ऐसी एटलीस्ट तीन लड़कियों का मुझे पता है जो गई हैं और अच्छा खासा पैसा कमाया है और उधर ही सेटल हो गई हैं। तो एक का तो मुझे अभी भी वो मुझे नानी कह के बुलाती है वो बच्ची, क्योंकि जिसके पास रह रही है उसको मम्मी कहती है, तो नेचुरली मम्मी की टीचर यानी नानी। तो पिछली बार मैं कहीं गई थी तो नानी आपको लिए मैंने पनीर का पराठा बनाया, वो बच्ची को देख के मेरी आँख में पानी आया, ये बच्ची वही है, यदि ये यहाँ नहीं आई होती तो कहाँ थी, कहाँ रही होती। वो थोड़ी सी धीरेज तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ी लो आईक्यू कह सकते हैं ना, थोड़ा ऐसा था। और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है, उन्होंने उसका एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है जिसमें उसके नाम से पैसा है, वहीं खाती वहीं रहती सारा वही है। और वो बच्ची इन्हें वो जब मुझे कभी फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि वो कहती मुझे भी नानी से बात करनी है, तो शी विल टॉक टू मी। पर बहुत लोग ना गए हैं और लोग जवाबदारी लेना भी नहीं चाहते। ये दो तीन बच्चियाँ जो सालों साल ये प्रोजेक्ट देख रही थी, उन्होंने फ़ोन किया, आके मिली। मैंने कहा मैं लीगल इशूज़ नहीं चाहती हूँ कुछ भी, कभी ना संस्था के साथ ना मेरे साथ। तो डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करवा दी, तो उनको भी लगा कि दूर चली जाएगी तो अच्छा है। हाँ, अधिकतर ऐसे केसेस में पेरेंट्स बच्चों को अपने पास में ही नहीं रखना चाहते। एक जगह तो जो उस लड़की के फादर नहीं थे, माँ ने दूसरी शादी कर दी थी, और जो सौतेले फादर थे वो बच्चे को ऑलमोस्ट सेल करना चाह रहे थे। तो इस बच्ची के फादर ने मुझे कहा कि मैडम हम माँ और उसके फादर के फ्रेंड, पहले उसके रियल फादर के ऐसे पैर जमीन पे बैठ गए कि इस बच्ची को मदद कर देंगी तो हम जिंदगी भर। मैंने कहा मेरा एहसान वहसान मत नहीं है, पर आप दोनों से मैं मिलवा दूंगी यदि वहाँ जाके काम कर सके। उनके सबके नर्सिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो नर्सिंग होम है, लोग तो चाहिए ही होते हैं। तो ऐसे दो या तीन बच्चियाँ ऐसी गई हैं और कुछ वापस आ गई हैं सालों के बाद, ये भी पता है मुझे। लोग भूल जाते हैं कुछ बातें, तो आके शादी किए रह गई हैं। ये एक बच्ची का मुझे पता है जिसकी शादी नहीं हुई है और वो बहुत आराम से उस घर में रह रही है। तो ऐसे कोशिश की है, लेकिन मैं समझी हुई बच्चियों का कि वो उस जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पे लोगों ने जा है, ये दुर्घटना हुई है, जो जिन्होंने मदद ली है वो दूर जाए, दूर जाए, बिल्कुल वो भी जाना चाहती है, उनसे दूर जाना चाहती। और कोशिश की थी जी। तो अब जहाँ तक आज पहुंचा है आकांक्षा, आज हमारे पास 11 बच्चे हैं, हम इंटरनेशनली अडॉप्ट करवा पा रहे हैं बच्चों को, कुछ लड़कियों की भी आप मदद कर पा रही हैं। अब यहाँ से किस दिशा में आप देखती हैं आकांक्षा, और किस दिशा में आगे बढ़ेगा आकांक्षा में हमें 6 साल तक के क्या सपने हैं उसके? मैं अब मेरी उम्र के हिसाब से अब मैं आगे के सपने ज्यादा नहीं देखती, इसको ठीक से चला सकूं। मुझे मैं 3-4 बार जिंदगी मौत को नजदीक से देख चुकी हूँ, जब मुझे ग्रेट ने काटा था, और 2 बार मेरी फ्लाइट में हुआ है कि मुझे पता नहीं मैं वापस जाऊंगी कि नहीं। एक बार आउट ऑफ कंट्री और एक बार इंडिया में, हम आ रहे थे तो वापस गए फिर दिल्ली और फिर आए थे फ्लाइट। 3 बार ऐसे मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। मैम हम सबको याद है जब आपको वो सांप ने काटा था, स्नेक बाइट के, आप आईसीयू में थी और सब लोगों ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल मैडम बची गई, लेकिन नहीं, सबकी दुआओं से ही बच गए ऐसा लगा। ग्रेट उससे, और मुझे जो एंटी स्नेक वेनम दिया था उसकी साइड टॉक्सिसिटी भी हुई थी, हाइपर सेंसिटिविटी, तो 2 चीजों से बची, दुआओं से ही बची। और 2 बार फ्लाइट में मैं वापस आई, बच्चों की दुआएं और उनकी माओं की दुआएं। मैं एज फार एज लाइसेंस, एक जमाने में कस्तूरबा सोसाइटी की सेक्रेटरी, हमारे मैनेजमेंट को भी समझता था कि मैं इन चीजों में कैसे करती। एक बार रात को 9 बजे मुझे हमारी बड़ी बहन जी की वहां से फोन आया था, दोनों एक्स सेक्रेटरी और तब की सेक्रेटरी उनके घर थे, और वो रात को 9 बजे मुझे गाड़ी भेजेगी कि आपको बुला रही है। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी रोती हुई सी, तो कहते हैं ये बच्ची आई है कि इसका फादर इसे एक्सप्लॉइट करता है, तो हम इसकी कैसे मदद करें। तो मैंने कहा बहन जी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको नर्सिंग ये सिखा दीजिए, अपने पास रख लीजिए, आपके पास तो फंड्स हैं। बोले क्या आइडिया दे दिया। मैंने कहा आपके पास हॉस्टल है, सब है, खाना दीजिए, करना क्या है, कुछ नहीं, उसको नर्स से सिखा दीजिए, फादर से दूर कर दीजिए, शी इज एडल्ट।
शिकंडे के डिसीजन कहाँ रहना चाहती हूँ। तो उनको पता था मेरा इंटरेस्ट, तो एक दिन मुझे कहती हैं कि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कर तो सकते हैं, WHO से फंड्स भी मिलेंगे, मैंने इंक्वायरी की। लेकिन मैं भी बहुत बिजी थी, वो भी बहुत बिजी थी, उसके लिए जो सब चाहिए था हम नहीं कर पाए। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी 6 साल से बड़े होंगे बहुत सारे, तो कोई करना चाहे तो उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए जो मुझे पता है मैं इस जन्म में नहीं कर पाऊंगी। मैं डिपार्टमेंट में HOD के यहाँ साथ में ही बड़ी मुश्किल से संभाला, फिर MS बना दिया गया, फिर डीन बना दिया गया। डीन की कुर्सी से हटी तो मेलघाट का चाय दिया। आज की डेट में मेलघाट में मैं जो चाहती थी बेसलाइन सब हो गया, सोनोग्राफी नहीं हो रही थी, दिल्ली वाली फ्री होने की योजना नहीं मिल रही थी। तो 1 साल कहते ना हाथ पैर बहुत मारे, तो अभी मध्य प्रदेश से सोनोलॉजिस्ट ढूंढा है, वो आके सोनोलॉजी कर रहे हैं, और मैं दिल्ली के कॉन्टेक्ट ढूंढ के मैंने दिल्ली वाली योजना मेलघाट में करवा ली है। अभी हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वहाँ फंड्स हैं और सीजर के लिए भी फंड्स हैं, जो इवन सेवाग्राम में नहीं है। तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें जो मैं चाह रही थी इस साल मैं कह सकती हूँ 2021 में हो गई हैं। तो सोच तो सकती हूँ, लेकिन कहते ना एक उम्र के बाद आपको अपने लिमिटेशंस पहचान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की डेट में डिपार्टमेंट के पेशेंट्स मेलघाट और आकांक्षा में मैं जितना कर पा रही हूँ उसकी क्वालिटी डिटोरिएट नहीं करना देना चाहती। बट कोई करना चाहे तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ करना चाहिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ करना चाहिए। ये इस संस्था के लिए मैंने फंड्स भी ढूंढे थे, 2 चीज़ों के लिए ढूंढे थे। एक बार इन्होंने कहा था इसके लिए ढूंढो, और एक बार एक दिया था कि टर्मिनल स्टेज ऑफ लाइफ में लोगों को रखने के लिए वेदना संहार संस्था बना के उसका मैंने पूरा बनाया। पैलिएटिव केयर के भी बियॉन्ड या हॉस्पाइस, यानी जब हॉस्पाइस कह सकते हो कि घर में ही उनकी सेवा, नहीं घर में नहीं, यहाँ और यहाँ हॉस्पाइस ऐसा हो कि जहाँ पता है कि आज कल परसों कभी जाने वाला है। तो उसका पूरा मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। शुरू में कुछ 70 लाख वगैरह लगते थे कि उस इवन कॉट भी ऐसी थी कि साइड में एक कॉट रहेगी, आपका नियर एंड डियर आपके पास सो सकता है। यानी वो खुद कुछ ना कुछ करते रहें, गार्डनिंग थोड़ी सी, कुकिंग में थोड़ा करें। तो जिनको अभी हम कह देते हैं ना कि मैं मेरे मरीज को कहती हूँ कि यहाँ रहोगे तो हम रोज ब्लड निकालेंगे, पर मुझे मालूम है अब हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तो जो टर्मिनल केस है, क्योंकि जिंदगी और मौत ऊपर वाला डिसाइड करता है, किसकी मौत कब आएगी पता नहीं। मैं लेकिन बाथरूम में कपड़े रखती हूँ तो ये अपने आप को कह देती हूँ सुबह उठी तो पहनूंगी, कि 3 बार मौत को देख चुकी हूँ तो मैंने अब डर चला, डर तो नहीं सोचती नहीं हूँ ज्यादा कि सुबह उठी तो पहन लूंगी। खाना बनाया है, कल रही तो खा लूंगी, क्योंकि जिस दिन स्नेक बाइट हुआ था मेरा चाय का कप और पोहा कढ़ाई का गैस के ऊपर पड़ा था, कप बाजू में पड़ा था, तो मैंने वो भूलूंगी नहीं कभी भी, इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये कल होगा। तो ये 2 चीजें थी मुझे लगता है कि कोई करना चाहे ना, जो मेरे मन में है कि ऐसी चीजें हैं जो अपना सपना है, सपना यानी वेलनेस, हर कोई क्वालिटी लाइफ के साथ लास्ट मोमेंट तक जीवे उसके लिए ये। विवेक जी, दर्शकों के थोड़े कमेंट्स हमें दिखाइए फिर से एक बार जी। अभिषेक शंकर जी हैं हमारे साथ। आई एम सो हैप्पी टू सी छाबड़ा मैडम आफ्टर अ डिकेड, शी हैज बीन एन एक्सीलेंट टीचर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ओके अभिषेक जी, हम सब जानते हैं छाबड़ा मैडम को और हम सब उनके बहुत फैन हैं। रश्मि रावत जी कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण काम, सावित्रीबाई फुले का आश्रम याद आ गया इनकी बातें सुनकर जी। रश्मि जी, अस्मिता कुमारी कह रही है मैडम आप महान हैं, शत शत नमन जी, थैंक यू सो मच। संजीव चंदन कह रहे हैं उन बच्चों की माओं की स्थिति भी जानना चाहेंगे, उनकी कुछ केस स्टडीज हुई हैं क्या उन माओं के ऊपर। बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल होता है जी, हमारे नाम लिए बिना, नाम लिए बिना मैंने पब्लिश किया हुआ है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अनवेड unwanted pregnancies in unwed girls, unwanted advanced pregnancies the word जो use किया हुआ है, जब उनका गर्भपात नहीं हो सकता है, unwanted advanced pregnancies in unwed mothers पे मैंने 2-3 publications किए हैं, कुछ काफी सारे presentations भी किए हैं। As far as stories, nearly 600 लड़कियां मदद ले चुकी हैं जो deliver हुई हैं, जो abort हो गई उनका भी अब मैं record रखती हूँ, आती हैं कहानी उनकी, तो पूरा जो हुआ है वो पता होता है, लेकिन आकांक्षा तक ये नहीं आती, अबॉर्शन हुआ तो चली जाती है। तो वो इन्हें एक जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो प्रेगनेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ उनके इग्नोरेंस रहती है, किसी को ही नहीं पता होती, किसी के साथ दोस्ती है उसको किस हद तक रखना वो नहीं पता होता,
और फिर पूछो आप विश्वास करेंगे कि इंजीनियर लड़की थी। मैंने कहा बेटा आपको तो समझता था ना, तो कहती है मैडम बस सब हो गया। डेफिनेटली मुझे जल्दी छुट्टी दीजिएगा। वो उम्र ऐसी होती है कि जब आपको सही गलत समझ में नहीं भी आ रहा, समझ में आते हुए भी नहीं आ रहा होता है, और उस समय जरूरी है कि उनके परिवार उनकी मदद करें, और परिवार ऐसे समय पे हाथ खड़ा कर देते हैं और उनको एक तरह से घर के बाहर ही धकेल दिया जाता है, कभी मार डाला जाता है ऐसे केसों में। ऑनर किलिंग भी यहाँ पर आती है। ये जो शुरू हुआ था वो लड़की ने सुसाइड किया था, उसको सुसाइड करने को किसी ने ये किया है मुझे नहीं पता, पर ये दो जो मैंने शुरू में बताया वो दोनों बातें थी जिसने मुझे। तो विवेक सिन्हा जी पूछ रहे हैं बच्चों की माएं कभी उन्हें मिलने या देखने आती हैं क्या? नहीं आ सकती मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार सरेंडर कर दिया तो फिर सरेंडर की हुई एक महिला लेके गई थी अपने बच्चे को, 2 महीने तक कायदे से ले जा सकते हैं, पर वो बच्चा अडॉप्ट नहीं हुआ था, वो वापस आई, पढ़ी लिखी थी नजदीक के किसी शहर की। इंटरनेशनल एक महिला आई थी मिलने, क्योंकि दो बातें बता देती इसमें, वो डेनमार्क में है बच्ची जिसका जो डिलीवर हुई थी, जो डिलीवर हुई थी। अच्छा माँ जो थी वो माँ नहीं बेटी बच्ची देखने आई है अपनी बर्थ की जगह। ओ, तो यहाँ आए वो 2002 की थी, तब हमारे पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरे पास अब तब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारा लेबर रूम तो मैं दिखा सकती थी, वही लेबर रूम था सबके लिए। तो आई टोल्ड हर कि तुम्हें अडॉप्ट यहाँ से नहीं कराया गया, कहीं और से कराया गया, बट तब हमारे पास लाइसेंस, पर ये जगह है जहाँ सारा नंबर है। कितने दिन थी वो बच्ची की, ये एज फार एज माई इज कंसर्न मुझे याद नहीं आता कोई आई है। एक वापस ले गई है, एक बच्चा सरेंडर किया हुआ, अडॉप्ट किया हुआ, फैमिली वापस छोड़ गई क्योंकि फादर अल्कोहलिक थे, तो मुझे फोन आता है वो मार ना डाली, मैंने कहा इमीडिएटली ले आइए। तो हमने बच्चे को कभी ऐसे केसेस भी आते होंगे कि अडॉप्शन हो गया है और जो अडॉप्टिंग फैमिली है उसमें बच्चों दो बार इशू हुआ है। एक बार बच्चे को थोड़ी एबनॉर्मलिटी थी तो वो एमआरआई हुआ पता चला तो वापस छोड़ गया, मैंने कहा छोड़ जाइए वो बच्ची आज इटली में है। दूसरा बच्ची छोड़ गए थे वो विद इन फ्यू डेज दूसरे स्टेट में अडॉप्ट हो गई। तो ऐसा हुआ है, ज्यादा बार नहीं हुआ पर हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बच्चे वापस लाए गए हैं। बट हम लोग, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सब कुछ कायदे कानून से करूं, ताकि क्योंकि संस्था ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा गया है। तो एक दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब को किसी ने कहा, तब कारा के थ्रू नहीं होते थे अडॉप्शन, हमारे से डायरेक्ट होते थे, पर मैं क्यू में रहती थी हमेशा कोई भी रहा। फिर तो हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मेरे पास आए कि आप मैडम को कहो कि जल्दी करवा दे। तो मैंने कहा, तो सर उन्होंने उनको कहा कि वो मेरा नहीं सुनती इस मामलों में। तो मैंने कहा सर मैं आपको पहले बचाती हूँ, क्योंकि यदि कुछ होगा तो ये रन कौन करता है, आपका नाम पहले है फिर सेक्रेटरी का फिर मेरा ना, आपने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है तो मैं अपने आप को बाद में प्रोटेक्ट करती हूँ, पहले आपको करती हूँ, कायदे कानून से करती हूँ। इसीलिए पिछले इतने सालों में हमें कभी कोई लीगल इश्यूज नहीं आए, मैं देख के करती हूँ, कभी किसी की नाराजगी सह लेती हूँ लेकिन कायदे से करती हूँ, और जो चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट हो या कोई चीज। वो वार्मर होते हैं तो उसमें थर्मोस्टेट एक में नहीं था, तो वो थर्मोस्टेट हटा दिया गया है, ये थर्मोस्टेट चाहिए तभी वो। बच्चों का सचमुच बहुत ध्यान से रखा जाता है, और मैं भी कभी कभी आती हूँ यहाँ आकांक्षा में, तो उन बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, कभी नए तरीके की फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैम ये बताइए, आपके 40 सालों का जो आपका ये चिकित्सीय कार्यकाल है, इसमें आपको समाज में ऐसी जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, और इन बच्चों के प्रति रवैये में कोई खास फर्क महसूस होता है, कुछ पॉजिटिव चेंज नजर आता है क्या, या अभी भी वैसे ही? थोड़ा बेटर है, लाइक पहले जैसे हमारे यहाँ अबॉर्शन करने वाली, सेप्टिक अबॉर्शन के केसेस आते थे, पिछले कुछ सालों में नहीं आया कोई भी कि किसी ने गिराने की कोशिश की। और मतलब नीम हकीम के पास जाते हैं जाके छुपाकर अबॉर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है अभी, ऐसा नहीं। लेकिन जो शोषण है लड़कियों का, जो मैंने बताई दोनों बातें, वो कुछ महीने हफ्ते पुरानी है, और जो ये जो मोबाइल का इंटरनेट से जो सोशल मीडिया से जो हो रहा है, वो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बच्ची आई थी, वो 5-6 साल की बच्ची ट्रॉमा के साथ आई थी हमारे अस्पताल में, तो मैंने उस बच्ची को तो जेनिटल ऑर्गन्स का ट्रॉमा था, पूरा ट्रॉमा था, तो मैंने अब वो बच्ची तो बताने लायक नहीं थी कुछ बताए,
वो ऐसे सहमी हुई सी, इन्हें सच बता रही हूँ कि जब मैं उसको स्टिच लगा रही थी तो मेरी आंख में आंसू आ रहे थे कि इस बच्ची के साथ कोई एनिमल भी ना करे ऐसा। तो बाद में जब उसकी माँ से पूछा मैंने, तो वो कहते हैं ना वो सामान बेचने के लिए जाते हैं ना, वो थे, वो घर में थी नहीं। फिर उस लड़के से जब पूछा गया तो वो 12 साल का बच्चा था और उसने कहीं वीडियो पे, वो मोबाइल की वीडियो पे कुछ देखा था, एंड ही वांटेड टू डू दैट। ये पता चला, वो पुलिस केस बना, वो बच्चे का चाइल्ड रिमांड होम में गया, वो सब अलग बातें हैं, पर ये नहीं मतलब होना, उसकी भी जिंदगी खराब हुई एक तरीके से, बच्चे की जिंदगी, इस बच्ची की जिंदगी, वो 6 साल की बच्ची को। ये 2-3 केसेस हुए हैं पिछले साल। दो मेरे पास आए, एक दूसरे किसी ने मैनेज किया। पुलिस आके बैठा रहता है जब तक बच्ची ठीक नहीं होती जाती है, वो सब एक इशू है। लेकिन वो लड़का, वो कहाँ से क्या, मैंने एक्चुअली, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं ट्रैक रखी कि क्या हुआ था, जरा पता तो करिएगा, हमें भी बताइए। मैंने पुलिस को बताया, तो एक लेडी कॉन्स्टेबल थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैडम वो लड़का कहता है कि मैंने मोबाइल पे देखा था तो मुझे वैसा कुछ करना था। अभी आप सोचिए, तो मतलब ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, माता पिताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे मोबाइल पर और कंप्यूटर पर क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और उन्होंने थोड़ा, आई डोंट नो, कहीं तो भी पता कहते हैं, कहीं तो भी नहीं होने देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस उम्र में नहीं समझते, नहीं समझ रहे कि आप गलत और सही के बीच में आप नहीं जा सकते। ये जो अभी 13 साल की बच्ची है, उसका घर का ही कजिन ब्रदर, 13 साल की बच्ची, 13 साल का लड़का, अभी नॉर्दर्न पार्ट से यहाँ आए, हमने मदद की, नसीब से सब ठीक हुआ, घर गई। लेकिन क्यों, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और जो समाज में हो रहा है, वो ये दो हिस्से हैं, एक तो ये जिनको नहीं पता, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, फादर ने एक्सप्लॉइट कराया, टीचर, कलीग, मतलब बच्चे भी तो समाज को देखकर कर ही सीख रहे होते हैं। एक्जेक्टली। तो ये जो विशेष सर्कल है कि बच्चे बड़ों से सीख रहे हैं और फिर बच्चे वही कर रहे हैं जो उन्होंने बड़ों को करते हुए, दोनों यानी वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच से जाना पड़ेगा कि औरतें दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं, माएं स्त्री अपनी बच्ची को, खुद अपने बेटे को भी, बेटा बेटी, और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग, वो आदत बन जाती है ना, मैं कुछ बोल नहीं पाई, पढ़ी लिखी लड़की को मैंने पूछा, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां, मतलब बहुत एडवांस समझे जाने वाली लड़कियां अपने माता पिताओं को कुछ नहीं बहुत बता पा रही है, कम्युनिकेशन गैप का ये हाल है, ऐसा हो गया है। तो वो जरा कहीं तो भी है, वो शोषण अभी भी है मैं कहूंगी, और शोषण होने की वजह पहले से थोड़ी बदली है, कुछ कुछ चीजें नहीं होती पर कुछ अभी भी होती है, और कुछ नई चीजें उसमें जुड़ गई हैं, नए टेक्नोलॉजी से जो आया है वो बहुत ही, कुछ कुछ तो बहुत ही भयानक है। तो हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे बुलाया, मुझे अपने मन की बात कहने का मौका दिया, उसके लिए फिर से धन्यवाद। और मैं कहूंगी कि हर हर घर में ऐसा हो। मैं कहीं तो भी कुछ लिख रही थी, देयर इज आज पूरी दुनिया में एक वर्ड वापरा जा रहा है, सोशल अकाउंटेबिलिटी जी, और सोशल अकाउंटेबिलिटी से इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज हो रही हैं, उनको ए ग्रेड देना, ऐसा सब है। हमारे इंस्टीट्यूट को भी थोड़े दिनों पहले ही मिला है, तो वर्ल्ड फोरम पे हमारे इंस्टीट्यूट को एक सोशल अकाउंटेबिलिटी का अवार्ड मिला है। 2000 हेल्थ केयर और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए ये सारा जो ग्लोबल मूवमेंट शुरू हुई वो 2010 में हुई। ये सारा काम जिन्होंने शुरू किया वो WHO के थे, डॉक्टर बोलेन, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। और अभी जो कर रहे हैं वो रॉबर्ट वुलार्ड है, जो हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन में कर रहे हैं। WHO के कोई थे, उन्होंने, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आए थे कभी, 2010 में उनका मुझे फ़ोन आया कि WHO और कुछ ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ दुनिया भर के डॉक्टर्स आएंगे जो इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ आप जाइए। वो कह रहे हैं कि कोई, वो कहते हैं ना हाई कुर्सी के आदमी का नाम लिख के आया है, बट आई डोंट वांट टू सेंड दैट, हाई कुर्सी पे बैठा हुआ, आई वांट भेजना चाहते हैं क्योंकि आप ऑथेंटिक ही बोल पाए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिला हूँ तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट के लिए यदि इंडिया को कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो आप चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात होगी, लेकिन इफ यू थिंक आई कैन डू जस्टिस टू इंडिया नहीं तो आई, तो मैं ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका गई थी, मुझे डीन की कुर्सी का चार्ज देना था 2 दिन के बाद, तो तीसरे दिन मैं रुक नहीं पाई क्योंकि लास्ट डे होता है। तो मैंने 3 दिन के प्रोग्राम में से 2 दिन अटेंड किया, मैं साउथ ईस्ट एशिया से, हम 3 ही लोग थे, एक थाईलैंड का, एक मैं और एक शायद पाकिस्तानी था शायद,
हम तीन लोग थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, बाकी ज्यादा लोग यूरोप और अमेरिकन थे, थोड़े से अफ्रीका कंट्रीज के भी थे। तो ये एक वर्ड वापरा गया था सोशल अकाउंटेबिलिटी, तो मैं फर्स्ट हैंड है मेरा उनसे कॉन्टेक्ट जिन्होंने शुरू करवाया था, जो दो लोग थे उस समय। तो मैंने थोड़े ही दिन पहले, अभी वो प्लान चल रहा है हमारा, मैंने शब्द वापरा सोशल रिस्पॉन्सिवनेस। तो जो मैं संदेश देना चाह रही हूँ, एक वर्ड है सोशल, तो हमने सबने रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तब हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं था 88 में, लेकिन हमने कुछ किया। और मैं जब मुझे किसी ने पूछा तो मैं खुद ही सोचने पड़ गई कि मैंने ये सब कैसे शुरू किया। तो मैं सोचने लगी कि जब हमारे स्कूल में सर्कुलर आता था, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस होते थे टेंट्स में, तो स्कूल के बच्चों को पूछा जाता था कौन कौन जाएगा उनको जरा बिठाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो हम कुछ बच्चे हमेशा तैयार, पैदल पैदल जाना होता था, खाना वो खिलाते थे लेकिन वॉक करके जाना पड़ता था काफी लंबा। तो मैं दौड़ के आगे चली जाती थी कि मैं भी चलूंगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो सोशल रिस्पॉन्सिवनेस मेरे पेरेंट्स ने दी है। मेरे फादर कहा कहते थे नेक इंसान बनो फिर सब अच्छा बन सकते हो। मेरी मदर कहती थी अपनी संभाल तेन होर नाल की गठरी, संभाल तेन चोर नाल की, चोर की फिक्र मत करो अपना ढंग से करो, ये मेरे मदर फादर कहते थे। और माँ एक और कहती थी, भली करसी करतार सोचा क्यों करी, ईश्वर सब अच्छा करेगा बहुत मत सोचो। ये मैंने मेरे पेरेंट्स की तीन सेंटेंस कभी नहीं भूली हूँ। और ये सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे मेरे पापा कहते थे नेक इंसान बनो तो सब अच्छा होता है, तो शायद वो नेक इंसान बनने की कोशिश थी कि स्कूल में रिस्पॉन्सिवनेस सीखी, तो यहाँ आके वो रिस्पॉन्सिवनेस एक कदम। तो सबने कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कुछ दिखे कि कुछ गलत है तो कोशिश तो करो। अनुपमा को पता है मेलघाट के लिए मैं बहुत सारे लोगों की आपकी किरकिरी हूँ, लेकिन मैं एक हाथ आंख मल लेती हूँ लेकिन छोड़ नहीं रही हूँ। तो जो जहाँ लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो एज ए सोशली रिस्पॉन्सिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी कोशिश जरूर करें। हम हारे जीते, मुझे कभी नहीं सोचा था, मुझे एक अमेरिकन एक कैनेडियन लड़की ने पूछा था यहाँ आए थे कि हाउ डिड यू थिंक, आई से नो, आई नेवर थॉट ऑफ आकांक्षा, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प ए लाइफ, वो बच्ची जिंदा रहे, मरे ना मारे कदम, आज इतना बड़ा आकांक्षा, मुझे लग रहा था कि वो बने, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आकांक्षा बनेगा, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि वो मैंने कदम उठाया। तो अगेन इट इज सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम सब सोशली रिस्पॉन्सिव बने, कोशिश करें अपने बच्चों को वो सिखाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बच्चों को, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिपल इफेक्ट, आप अपने बच्चों को सिखाओगे वो दूसरों को सिखाएं, उनको करियर बनाना ना सिखाएं, उनको समाज को भी फिर से निर्माण करना और नए तरीके से और कुछ अच्छा करना लोगों के लिए और उससे कितनी खुशी मिलती है ये उन्हें समझ में आने देना, ये हमें सब अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जी सविता लखनवी हैं जो कहना चाह रही हैं, सरिता लखनवी, क्या समाज के संपर्क में आने के बाद उन बच्चों के साथ समाज के द्वारा उनके किए गए व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? वो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं और उनके बारे में उनके उनका उनके पास हमारे पास तीन साल का रिकॉर्ड है, हाँ उनके पास हमारे पास तीन साल का ही रिकॉर्ड होता है, इसलिए मुझे पता नहीं, पर कुछ कुछ है जिनका मुझे पता है। लाइक कोई कर्नल साहब बच्चे को लेके गए थे, वो हमेशा फोन करते हैं, बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, बट ही विल नेवर फॉरगेट, एवरी फ्यू वीक्स आई गेट ए फोन कॉल, बच्चे को ये ग्रेड मिला वो मिला। तो अभी तो पेरेंट्स कैसे बता देते हैं, हाँ, पेरेंट्स समाज में उस बच्चे को किस तरह पेश करते हैं इस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर अपने बच्चे और बिल्कुल बच्चा बिल्कुल माता पिता से ही इतना जुड़ा हुआ है तो समाज उनको स्वीकार करता है बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने और इस एक ऐसे विषय पर हमसे बात करने के लिए जिस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। आशा है आपसे फिर कभी बातचीत होगी और स्त्रियों से जुड़े हम किसी और मुद्दे पर हम आपसे फिर से बातें करेंगे, क्योंकि इतने सारे विषयों में आपको महारत हासिल है और आपने इतना काम किया है स्त्रियों के लिए कि हम बार बार आपसे बातचीत में जुड़ना चाहेंगे। तो सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद, मेरा फिर से आप सबको धन्यवाद बुलाने के लिए। और कभी भी वुमेन्स हेल्थ इज वेरी डियर टू माय हार्ट, तो कभी भी कुछ भी आपकी सेवा में जरूर। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और त्योहारों आगे आने वाले त्योहारों के लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, धन्यवाद, शुभ रात्रि।